हेलो भाई, नमस्कार। मेरी पी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम एफ वी फार्मूला की। एफ वी फार्मूला कहाँ मिलता है? फार्मूला टेब में जाते हैं और एंड इसके बाद में जो फाइनेंशियल है इसमें आपका नीचे जाते हैं। ये देखिए, एफ वी यहाँ पर मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम एफ वी से पहले सारे फार्मूले की वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को देखनी है तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की में, और वहाँ से आप लोग सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपको देखनी चाहिए अगर आप लोग फाइनेंशियल से, स्टेटमेंट से या किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं आज फ्यूचर वैल्यू की। तो देखिए, फ्यूचर वैल्यू तो मतलब भविष्य की जो कीमत है काई की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक तो निश्चित समय में निश्चित पेमेंट के साथ और निश्चित ब्याज दर में जो हमने भुगतान किया है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू बनेगी उसको हम लोग इस एफ वी फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो ये इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज हम जो इन्वेस्टमेंट करें भविष्य में उसका क्या होगा, कितना वैल्यू बनेगी, उसको देखने के लिए इसका बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नीचे ये जो फॉर्मूला है इसमें रेट, एन पी ई आर, पी एम टी, पी वी टाइप, ये सारे आर्ग्यूमेंट इसमें यूज़ होते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। रेट आप लोग समझते हो, दर एन पी आर मतलब कितनी बार में पेमेंट दिया, पी एम टी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ ऑप्शनल है और टाइप भी ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। एक तो हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, एक फुल फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एफ वी टाइप करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रेट, रेट तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाई यहाँ पर 12 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर दिया है इन्होंने नंबर ऑफ पेमेंट, तो हम 10 बार में वो पेमेंट दे रहे हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद में क्या हाईलाइट हुआ है, पी एम टी। तो देखिए, पी एम टी मतलब बोले तो पेमेंट, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको ये -200 रुपये दे दिए। इसके बाद में हम लोग कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद में इसमें क्या है, देखिए अगर आप लोग शॉर्ट फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहीं तक हमारा फार्मूला काफ़ी है, क्योंकि देखिए पी बी और टाइप होता है वो ऑप्शनल होता है। तो हमारा यहाँ तक फार्मूला ये कम्प्लीट हो गया, हम लोग एंटर करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2046 रुपये। और मित्रों, यदि हम यहाँ पर पूरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फिर कैसे करेंगे उसको? तो देखिए, यहाँ पर हमने एफ बी लगा दिया, एफ बी के बाद में रेट पूछ रहा है तो रेट हमने वही लगा दिया और वाई 12 कर दिया, आफ्टर कॉमा, और कॉमा के बाद में नंबर ऑफ पेमेंट, और नंबर ऑफ पेमेंट के बाद में कॉमा, और इसके बाद में फिर पी एम टी, और इसके बाद में फिर आपका कॉमा, और इसके बाद में क्या है, पी वी मतलब बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इसके बाद में कॉमा। और अभी यहाँ तुम लोग एंड देखना चाहते हो या शुरू? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग एंड, तो यहाँ पर कोष्टक बंद, अभी इसको एंटर, तो ये 2581 रुपये बनता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग फुल फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं विद प्रेजेंट वैल्यू के साथ, यहाँ विदाउट प्रेजेंट वैल्यू के साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वाई दिस फॉर्मूला। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी कोई टॉपिक है ऐसा दिमाग में जिससे बारे में आप लोग वीडियो चाह रहे हो, यहाँ पर मैं वीडियो आपको बना के दूँ, इस वीडियो का नाम बताइए, उस टॉपिक का नाम बताइए, वो तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न है जिसकी तुम्हें वीडियो चाहिए वो मैं आपको बना के दूंगा, तो आप उसको कमेंट में दीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही फॉर्मूला लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।